गुड आफ्टरनून, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना टेस्ट होगा। ओके, मुझे प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन बताओ। प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशंस क्या क्या है? कल संडे था, किसने पढ़ाई नहीं किया? प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन बताओ मुझे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन है, सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल क्लियरिटी, पर प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिलेक्शन ऑफ राइट सबॉर्डिनेट्स, प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव्स, प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेसेसरी कंट्रोल्स। ओके, अगला क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसेंट्रलाइजेशन, कौन से फैक्टर्स डिसेंट्रलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं? कौन से फैक्टर्स डिसेंट्रलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं बताओ। तो बताता हूँ मैं, सबसे पहला है कॉस्टलीनेस ऑफ डिसीजन, डिजायर फ्रॉम यूनिफॉर्मिटी, हिस्ट्री ऑफ एंटरप्राइजेस, अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, मैनेजमेंट फिलॉसफी, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल टेक्निक्स। डिसेंट्रलाइज्ड परफॉर्मेंस, तो ये सब करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में? क्या डिफरेंस है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में? क्या डिफरेंस है? मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला मीनिंग है, फिर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉस्ट फैक्टर, टाइम फैक्टर। यस, सेंट्रलाइजेशन है वो लेस एक्सपेंसिव है, वेरी गुड। बाद में टाइम फैक्टर है, फिर यूनिफॉर्मिटी, बर्डन ऑन टॉप एग्जीक्यूटिव्स, पेपर वर्क, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट फिलॉसफी, बिजनेस एक्सपेंशन, ये सब है। ठीक है, अभी क्या है, अपना 12 तारीख तक अभी आपका वेकेशन चालू हो जाएगा, अभी ये वीक में अपना सिलेबस भी ख़त्म होने आया है, जो अपने को रिवीजन करना पड़ेगा, अभी अच्छा मार्क्स स्कोर करना है आपको।
12 से 18 तक आपका वेकेशन है, बाद में हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ये एक वीक में अपना सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और अपने को कैसा है अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। ओके, तो अभी हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको नोट्स भेजा है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद प्लान्स इधर तक पढ़ा था। आज हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे फाइंडिंग द कॉज ऑफ डेविएशन से। बारह से अठारह को वेकेशन है, थर्ड सेमिस्टर का, बाद में तुम लोग का दिसंबर में एग्जाम रहेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है फाइंडिंग द कॉजेस ऑफ डेविएशन। द मैनेजर कैन स्टडी द कॉजेस ऑफ डेविएशन स्पेश क्या हो गया डाउट्स क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है। ओके, मैं आपको बोल रहा था कि नेक्स्ट स्टेप जो है आपका जो भी डेविएशन से उसके एग्ज़ाम पता नहीं, अभी तक एग्ज़ाम का नोटिस आ जाएगा, एग्ज़ाम के डेट्स अभी तक नहीं आए, आपको टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा। ओके, हाँ, तो मैं आपको क्या बोल रहा था, फाइंडिंग द कॉजेस ऑफ डेविएशन द मैनेजर्स मे स्टडी द कॉजेस ऑफ डेविएशंस स्पेशली। तो मैनेजर्स को जो डेविएशन के कॉजेस है वो फाइंड आउट करने हैं, तो स्पेशली जब निगेटिव डेविएशंस रहते तभी। तो फॉर इंस्टेंस देयर कैन बी अ शॉर्टफॉल ऑफ सेल्स, तो अगर सेल्स कम रहेंगे दिस मे बी ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो सेल्स को कम होने का रीज़न क्या है,
poor advertising campaign, poor dealer relationship, problem with the quality of product, ये सब हो सकते हैं. तो सेल्स कम होने के कारण क्या है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन अपना पुअर रहेगा, या डीलर रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहेगी, या प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी में प्रॉब्लम रहेगा, उसके वजह से सेल्स कम हो सकता है. बाद में लिस्ट आउट करेक्टिव मेजर्स, फिर नेक्स्ट स्टेप है जो करेक्टिव मेजर्स लेना है उसकी लिस्ट बनाना. The next step would be list out various corrective measures to correct the deviations. तो जो deviations है वो solve करने के लिए corrective measures लेना. For instance, to correct shortfall in sales, the corrective measures can be such as सबसे पहला corrective measure है to increase advertising increase करना. Corrective measure to improve quality improve करना. Corrective measure 3 to increase dealers incentive etc. तीसरा जो है जो dealers को जो incentive जाते हैं उसको increase करना. फिर next point है selecting and implementing corrective measures, मतलब corrective measures को select करना और implement करना. Once a list of corrective measures is prepared, the manager make a cost benefit analysis of the corrective measures. तो एक बार करेक्टिव लिस्ट बनाने के बाद मैनेजर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का स्टेटमेंट बनाता है करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए. ही देन सिलेक्ट द बेस्ट करेक्टिव स्टेप्स, तो उसके बाद जो बेस्ट करेक्टिव स्टेप है वो सिलेक्ट करता है. द मेजर्स आर देन इम्प्लीमेंटेड, उसके बाद मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है. फिर review of follow, the managers needs to review the corrective measures to find out whether the corrective measures taken are in a position to correct the deviations. तो manager फिर review लेता है corrective measures का, कि जो corrective measures है वो deviations को correct कर सकते हैं क्या नहीं, इसका एक review लिया जाता है. If necessary, additional corrective measures may be taken or the targets may be set again. अगर ज़रूरत पड़ती है तो additional corrective steps ले सकते हैं और targets फिर से हम लोग सेट कर सकते हैं. फिर ये question अपना ख़त्म हो गया. Next question है essentials of a good control system, एक अच्छा control system लगाने के लिए क्या क्या essential point है. तो to make control system more effective, a manager must follow the following essentials or requirement. Control system को effective बनाने के लिए manager को ये following essential follow करना पड़ता है. सबसे पहला है focus on objective, तो जो उसने सामने object frame किया है उसके ऊपर उसको focus करना है. The control system should have focus on objectives के ऊपर focus करना है. It should it should aim at the accomplishment of organization goals. उसको aim करना है organization के goal achieve करने के लिए. Next point is suitability. The control system should be suitable to the needs of the organization. तो जो भी organization के needs है उसको वो suitable होना चाहिए. ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं.
ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉम्प्ट। एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम शुड प्रॉम्प्टली हेल्प टू रिकॉग्नाइज डेविएशन एंड टू टेक क्विक एंड करेक्टिव स्टेप। तो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम अपने को प्रॉम्प्ट देता है डेविएशंस को पहचानने में और करेक्टिव स्टेप्स लेने के लिए आपको मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। द कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए कंट्रोल सिस्टम। द सिस्टम मस्ट बी वर्केबल इवन ड्यूरिंग द चेंजिंग कंडीशंस। जब कंडीशन चेंज होते हैं तभी भी सिस्टम वर्केबल होना चाहिए। व्हेन द प्लान्स आर चेंज और मॉडिफाइड, जब भी प्लान्स और चेंज होते हैं तो सिस्टम चलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिंप्लिसिटी। द कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी सिंपल। कंट्रोल सिस्टम सिंपल होना चाहिए। दोज हु आर गोइंग टू यूज इट और हु वुड बी अफेक्टेड बाई इट मस्ट अंडरस्टैंड इट क्लियरली एंड करेक्टली। तो जो लोग यूज़ करने वाले हैं उनको वो समझ बराबर समझ में आना चाहिए ताकि वो बराबर से उसका यूज़ कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। इट मीन्स दैट सिस्टम शुड बी डेफिनेट एंड वेरीफाइबल। कि वो जो सिस्टम है वो पर्टिकुलर सिस्टम वो डेफिनेट होनी चाहिए और वेरीफाइबल होनी चाहिए। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक। जो तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए। ने बे बी क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव। वो क्वालिटिविटी होनी चाहिए या कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, क्वान्टिटिटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट है सजेस्टिव। अ कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी सजेस्टिव। वो एक सजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए। इट शुड इंडिकेट वेयर द प्रॉब्लम इज और हु इज एट अ फॉल्ट एंड वॉट शुड बी डन टू करेक्ट द फॉल्ट इफ एनी। तो उन जो सिस्टम है उसको प्रॉब्लम इंडिकेट करने को जमना चाहिए कि और उसको उससे अपने को समझ में आना चाहिए कि कौन फॉल्ट में है या फॉल्ट जब आता है तो क्या करने का, ये अपने को समझ में आना चाहिए सिस्टम से। फिर मोटिवेटिंग। गुड कंट्रोल सिस्टम शुड एनकरेज रादर देन डिस्करेज द एम्प्लॉयज। एक अच्छी कंट्रोल सिस्टम को एनकरेज करना चाहिए रादर डिस्करेज से। इट शुड बी डिजाइन टू प्रिवेंट मिस्टेक्स रादर देन टू पुश इंडिविजुअल। उसको ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि मिस्टेक्स को प्रिवेंट करे और जो इंडिविजुअल्स है उनको पनिश करे। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इट मे बी नाइदर डिज़ायरेबल और इकोनॉमिकल टू कंट्रोल ईच एंड एवरी एक्टिविटी। तो अपने को ये मन से लगता भी नहीं है और इकोनॉमिकल भी नहीं है ईच एंड एवरी एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए। Therefore, an organization should be selective in control matters. इसके लिए organization को selective होना चाहिए control matters में। A good control system should focus on critical factors or areas where control is vital to ensure success. एक अच्छे control system को focus करना है critical areas में जिधर control ये important है success के लिए। ठीक है, तो इधर तक आप पढ़ लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं।
ठीक है, हम लोग खत्म करते हैं, थैंक यू।